हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। स्काईफॉल 2.0 का न्यू अपडेट आ गया और इस अपडेट के अंदर बहुत कुछ चीजें चेंज हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टम रूम्स की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लैग का इशू था उसको भी फिक्स कर दिया गया, उसमें भी कुछ चीजें चेंज की गई है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टम रूम का। तो कस्टम रूम के अंदर यहाँ पे अब स्पेक्टेटर में 10 लोग हो सकते हैं और यहाँ पे जो रूम टाइमिंग है वो 10 to 15 मिनट कर दिया गया। इसके बाद यहां पे आप जो स्पेक्टेटर मूड है उसको लॉक कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास 3 ही स्पेक्टेटर है तो आप 7 स्पेक्टेटर को लॉक कर दो जिससे कि और लोग उस पे नहीं बैठ सकते हैं। और उसके बाद यहां पे जो रूम टाइमिंग है उसको बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, अप्रॉक्स 15 मिनट कर दिया गया, क्योंकि भाई 5 मिनट में जो है वो प्लेयर्स नहीं आते थे और रूम ऑटोमेटिक डिसबैंड हो जाता था। अब यहां पे जो है कस्टम के अंदर भी कुछ चीजें चेंज किया गया है। कैमरा का जो अप एंड डाउन करने वाला सिस्टम था वो पहले नहीं था, लेकिन उसको फिर से यहां पे अब एड कर दिया गया है जिससे कि आप कैमरा को अब अप एंड डाउन इजीली कर सकते हो। अभी आप सिर्फ जॉयस्टिक से आगे पीछे कर सकते थे, अब लेकिन आराम से आप कैमरा को अप एंड डाउन कर सकते हो। अब यहां पे जो थर्ड एंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्राफिक्स और लैग वाला इशू। ग्राफिक को भी थोड़ा बहुत इंप्रूव किया गया है, लेकिन जो लैग का इशू था काफी सारे लोग फेस कर रहे थे। उसके लिए यहां पे अब अगर आपका जो डिवाइस है, अगर आपका डिवाइस लो ग्राफिक को सपोर्ट करता है तो सिर्फ आप पे सिर्फ लो ग्राफिक ही ओपन होगा, ठीक है। आप हाई नहीं कर सकते हो। अगर आपका जो है वो डिवाइस सिर्फ एक्सट्रीम तक जाता है तो सिर्फ एक्सट्रीम तक ही आपको वो देखने को मिलेगा, हाई ग्राफिक नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, जिससे कि आपका जो लैग वाला सिस्टम है वो फिक्स हो जाएगा और काफी अच्छा गेम प्ले देखने को मिलेगा गेम के अंदर। तो इस अपडेट का सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है बुलेट फिजिक्स, जिसके बाद गेम प्ले काफी चेंज होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये गेम कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां पे कि iOS और एंड्रॉइड रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पे जाके क्लिक करो और रजिस्ट्रेशन करो। और रजिस्ट्रेशन में जो ईमेल आईडी डालना वो प्ले स्टोर पे लॉगिन होना चाहिए, तभी आप गेम डाउनलोड कर पाओगे जब आपको गेम मिलेगा डाउनलोड करने के लिए ईमेल पे, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं बुलेट फिजिक्स का। तो भाई बुलेट फिजिक्स की वजह से काफी कुछ चीजें चेंज होने वाला है, क्योंकि अब जो है वो बुलेट काफी ड्रॉप भी होगा। अगर लॉन्ग रेंज से शूट कर रहे हो तो जो डैमेज है वो भी काफी कम, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा पहले की अपेक्षा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप लॉन्ग रेंज में हेड पे अगर मारना होगा तो हेड से ऊपर एम तुमको करना पड़ेगा, तब जाके तुम हेड पे मार पाओगे। और अगर आप हेड पे ही एम करोगे तो वो बॉडी पे जाके शॉट लगे, जैसा कि भी देख पा रहे होगे आप इसमें, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें चेंज हुई है इसमें। गन्स में भी आप जब फायर करोगे एआर से फायर करने के टाइम में आपका जो डैमेज होगा वो काफी कम हो जाएगा, और काफी कुछ चीजें जो है वो अब गेम जो है थोड़ा और ज्यादा रियलिस्टिक और बेटर देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। अभी iOS वालों के लिए कोई अपडेट नहीं आया हुआ है, उस पर अभी जो है स्टिल वर्क चल रहा है, और जैसे ही वो वर्क कंप्लीट होगा आपको iOS वालों के लिए भी अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड लव यू गाइस।